अब लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बयानबाजी का दौर भी तेज होता जा रहा है। पीएम मोदी चुनाव को जीतने के लिए गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पर भी दंगल शुरू हो गया। जहां पीएम मोदी ने महिलाओं को गारंटी देने की बात की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर चुटकी ले ली। तो क्या कुछ कहा दिग्गजों ने, आपको सुनाते हैं। लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा, लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब कानून बन चुका है। आपको याद होगा, जब तक देश में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें थी, तब तक मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक से परेशान थी। मोदी ने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने की गारंटी दी थी और उसे ईमानदारी से पूरा भी करके दिखाया। गारंटी शब्द यूज करना, वो पहले गारंटी नहीं करते थे। वो उन्होंने देखा कि राहुल जी बार बार कर्नाटक में चुनाव में, तेलंगाना के चुनाव में उन्होंने गारंटी गारंटी की बात की। तो अभी प्रधानमंत्री तो ऐसे देखिए, वो दूसरे के आइडिया में लेने में और अपने आप को श्रेय देने में उनका कोई मुकाबला नहीं। गारंटी का शब्द उन्होंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, हालांकि अभी वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी। ये हम तो कोई एक व्यक्ति की गारंटी नहीं कर रहे, हम नहीं कहे खड़गे की गारंटी या राहुल जी की गारंटी या सोनिया जी की गारंटी, हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की गारंटी हम दे रहे हैं, क्योंकि ये जनता चाहती है, जनता की मांग है, ये जनता की गारंटी है, ये हमारी गारंटी, एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम, प्रधानमंत्री ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि वो किसी मसीहा है कि मैं गारंटी दे। कौन है वो गारंटी देने वाले? वो थोड़ी व्यक्तिगत गारंटी थोड़ी है। तो और जब वारंटी पीरियड होने वाली है, जब 10 साल हो चुके हैं, अन्याय काल की हकीकत हमारे सामने है, महिला अन्याय, युवा अन्याय, किसान अन्याय, आदिवासी अन्याय, श्रमिक अन्याय, और अन्याय तो सिर्फ दो पूंजीपतियों के लिए नहीं हुआ है, पूंजीपति दो या तीन पूंजीपति के लिए बहुत न्याय मिला है, पर सभी लोग करोड़ों को अन्याय मिला है। तो ध्रुवीकरण की बात हो रही है, ध्रुवीकरण को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, राम मंदिर को एक ऐसा मुद्दा बनाया जा रहा है, पर हम राम के पुजारी हैं, हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम के पुजारी हैं। और मेरा नाम, और खास तौर से मैं, मेरे दो नाम है, पहले नाम में राम और दूसरे नाम में भी राम। तो ये जब हम धर्म को लाते हैं राजनीति में, धर्म को भी घटाते हैं और राजनीति को भी घटाते हैं, और ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। धर्म का अर्थ ही अलग हो जाता है, राजनीति का अर्थ ही अलग हो जाता है। तो ये पर इनके 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 पास ध्रुवीकरण के अलावा कोई हथियार नहीं।